हेलो ऑल, आज हम देखेंगे व्हाट इज प्लॉट एरिया, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया, सेटबैक एरिया एंड सुपरविटेड एरिया। तो बेसिकली ये चारों पांचों चीज़ें हमको जब हम कोई प्लॉट लेने जाते हैं वहाँ पर बेसिकली हमको यूटिलाइज होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लॉट एरिया क्या होता है। प्लॉट एरिया की डेफिनेशन की बात करूँगा मैं, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टोटल एरिया अवेलेबल एंड सराउंडेड बाय अ बाउंड्री लाइन इज कॉल्ड अ प्लॉट एरिया। मान लीजिए आपको कोई 15 बाय 15 का कोई प्लॉट होगा, तो वो जो बाउंड्री लाइन्स, जो सराउंडेड एरिया रहेगा, जो कॉर्नर से कॉर्नर, फ्रॉम दिस कॉर्नर टू दिस कॉर्नर जो एरिया मैं मार्क करूँगा उसको मैं बोलूँगा प्लॉट एरिया। और बेसिकली आपको जब भी आप जो कुछ प्लॉट वगैरह खरीदने जाते हैं तो आपको ऑन रजिस्ट्री, जो आपको रजिस्ट्री का रेट देना रहता है, जो अमाउंट देना रहता है, वो आपको प्लॉट एरिया का ही देना रहता है। देन बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया। अब बिल्टअप एरिया एंड प्लिंथ एरिया में बेसिक कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों को एक ही टर्मिनोलॉजी है। आप कुछ लोग उसको बिल्टअप एरिया बोलते हैं, कुछ लोग उसको प्लिंथ एरिया बोलते हैं। तो बेसिक इसकी डेफिनेशन यही है, टोटल बिल्डिंग एरिया इन प्लॉट एरिया इज रिफर्ड एज अ बिल्टअप एरिया। जहाँ पर आप अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं, एग्जैक्टली जो जो एक बिल्डिंग का जो पार्ट बन रहा है वो कहलाएगा हमारा आपका बिल्टअप एरिया। और इन दिस एरिया वी एक्सक्लूड एम्प्टी स्पेस अराउंड द बिल्डिंग। आप मान लीजिए आपकी आपने गार्डन के लिए कुछ पार्ट छोड़ा, या फिर आपने कुछ पार्किंग के लिए जो पार्ट छोड़ा है वो सब इसमें स्किप करते हैं हम लोग। और बेसिकली ये जो है ये एक्सक्लूडिंग एरिया रहता है, जहाँ पर हम लोग सिर्फ जहाँ हम लोग रहते हैं, जिसको जिसको हम बोलते हैं कार्पेट एरिया, जिसको बोलते हैं हम लोग, तो जहाँ हम एग्जैक्टली रहते हैं उसको हम बोलते हैं बिल्टअप एरिया। तो बिल्टअप एरिया का अगर फॉर्मूला की बात करूंगा मैं, तो बिल्टअप एरिया इज इक्वल्स टू कार्पेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ ऑल वॉल्स। तो इसमें जो इंटरनल पार्टीशंस के लिए जो आप वॉल यूज करेंगे उसको भी आपको एडिशन करना पड़ेगा, प्लस जो बालकनी, आपने जो वरांडा टाइप का जो एरिया छोड़ा है जहाँ आपका मूविंग पार्ट रहेगा, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो इसमें एक्सक्लूड क्या रहेगा, जो आपका पार्किंग स्पेस है, या आउटर आपने रेयर स्पेस छोड़ रखी है, या आउटर फ्रंट स्पेस छोड़ी है, साइड स्पेस छोड़िए, ये सब इसमें एक्सक्लूड रहेगी। सर्कुलेशन एरिया, सर्कुलेट एरिया, द एरिया अलाउ अस फॉर अ मोमेंट, ठीक है, जहाँ आप घूम सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें पार्किंग वाला एरिया आता है, इस वाले स्लॉट में आपका पार्किंग एरिया आएगा। इसमें स्टेयरगेस एंड बालकनी वाला जो इसमें रहेगा सर्कुलेशन वाले पार्ट में स्किप रहेगा, क्योंकि स्टेयरगेस एक अलग एंटिटी हो गई उस पर्टिकुलर प्लॉट एरिया की, और बालकनी एक अलग पार्ट हो गया उस एरिया की। देन कारपेट एरिया की अगर हम बात करेंगे, वी कैन ऑल्सो कॉल्ड लिवेबल एरिया, जहाँ हम लोग एग्जैक्टली रहते हैं, इट्स कॉल्ड द कारपेट एरिया। एरिया एक्सक्लूडिंग वॉल इन द बिल्टअप एरिया इज कॉल्ड बिल्टअप, इज कॉल्ड कारपेट एरिया, ठीक है। हम जो एरिया छोड़ देते हैं बिल्टअप एरिया के अंदर उसको हम बोलते हैं कारपेट एरिया। इट इज यूज एरिया ऑफ अ बिल्डिंग, ये हम जो पूरी बिल्डिंग का एरिया रहता है उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। जनरली कारपेट एरिया इज अराउंड 60 से 75% ऑफ बिल्टअप एरिया। ये जो कारपेट एरिया रहता है हमारे बिल्टअप एरिया का अप्रॉक्स, आप ये समझिए 60 से 75% के आसपास इसको हम कवर आउट करते हैं। और ये हम लोग बेसिकली यहाँ, यही वो एरिया जहाँ पर हमारा जो जो हाउस है हम लोग बिल्ड करते हैं, और इसी के बिहाफ पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इसी के बिहाफ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। देन लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटबैक एरिया। तो द एम्प्टी स्पेस अराउंड द बिल्डिंग इज कॉल्ड सेटबैक एरिया। हम लोग जो कॉर्पोरेशन ड्राइंग बनाते हैं उसके अंदर हम लोग रियर स्पेस, बैक स्पेस, साइड स्पेस जो छोड़ते हैं, ठीक है, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सेटबैक एरिया। उस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सेटबैक एरिया। द रीजन बिहाइंड लिविंग सेटबैक एरिया इज फॉर मूविंग व्हीकल्स, वेंटिलेशन एंड इमरजेंसी पर्पज। तो अब इसमें आप जैसे समझ गए होंगे, आपको व्हीकल पार्क करना हो, या फिर आपको एयर सर्कुलेशन के लिए वेंटिलेशन देना हो, या आपको एसी लगाने के लिए जो उसका इंस्टॉलेशन करने के लिए जो जगह स्पेस चाहिए, या फिर इमरजेंसी गेट होते हैं, ये सब क्लाइम में आएंगे, ये सब आएंगे आपके सेटबैक एरिया में आएंगे। हाउ एवर सेटबैक एरिया इंक्रीज फॉर हाई राइज बिल्डिंग एंड मे गो अप टू सेवरल मीटर्स। अब जैसे जैसे आपकी अगर हाई राइज बिल्डिंग रहती है, तो उस हाई राइज बिल्डिंग के हिसाब से आपको आपका सेटबैक एरिया बाय जो अधिनियम रहते हैं इसके, बाय हेल्प ऑफ डिफरेंट अधिनियम्स, जो मध्य प्रदेश अधिनियम है जैसे हमारे यहाँ पर, उस बुकलेट में लिखा हुआ है कि आपकी अगर हाई राइज बिल्डिंग रहेगी
या कमर्शियल बिल्डिंग रहेगी या रेजिडेंशियल हाई राइज बिल्डिंग रहेगी, या आपका कह सकते हैं कि हम लोग हमारा वेयर हाउस वगैरह रहेगा, इस टाइप के अगर कंस्ट्रक्शन रहेंगे, इंडस्ट्री हाउस रहेंगे, तो इस टाइप कंस्ट्रक्शन में हमारा सेटबैक एरिया वेरी करेगा फ्रॉम प्लॉट टू प्लॉट एंड पर्पज टू पर्पज. तो सेटबैक एरिया का अगर डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग, तो सेटबैक एरिया इज इक्वल्स टू प्लॉट एरिया माइनस बिल्ट अप एरिया. तो ये जो आपका प्लॉट एरिया है और जो आपने बिल्ट अप एरिया जो आपने बनाया है उसका ये डिफरेंस रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेटबैक एरिया. ओके, थैंक यू.